I just show you. Now don't touch it. Just go sideways. एक साइड से कट करते डायग्राम जैसा ये साइड है, चलो ये साइड से कट करते हैं, जैसा हमारा डायग्राम है, ठीक है। इधर से हम लोग दिस कट, यू नीड वेरी स्ट्रांग सीजर फॉर दिस कटिंग, ओके, कट इट लाइक दिस, लाइक दिस। जैसे कट करोगे रिमूव दिस ऑल वुड मैटर, में ब्रश होना चाहिए, ब्रश इज देयर ब्रश, और यू विल टेक केयर, यू कैन पोर वाटर हियर, ड्राई नहीं होने देना, तो ड्राई हो गया तो ये कट हो जाती है, फूट जाती है, तो उसको इलास्टिसिटी रखने के लिए ड्राई नहीं होने देना, नहीं तो सूख गई तो आराम से टूट जाएगी, ठीक है। और ये सब निकाल दो, ये निकाल लो, इजीली निकल जाए, सॉरी ऐसा होता है ये डिसेक्शन में। ओके थैंक यू, ओके दिस आर ऑल सलाइवा एंड दिस फूड मैटर, वॉश इट। नाउ आई शो यू, दिस इज जॉ, माउथ, माउथ इज गार्डेड बाय क्रेसेंडिंग जॉ, डॉर्सल एंड वेंट्रल जॉ, दिस इज माउथ कैविटी विच इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी, देयर इज टंग, टंग हियर, दिस इज अ टंग, दिस इज टंग विच इज अटैच टू फ्लोर, ये जो टंग है अटैच है, कार्टिलेजिनस, देन गिल स्लिट्स, दिस इज परफोरेटेड एरिया, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज फायरिंजियल एरिया, फायरिंग्स, ओके, गिल स्लिट वाली, एंड देन इट लीड्स टू इसोफेगस। नाउ यहाँ तक रुकना है और फिर बाद में इधर से कट करना है, यहाँ पूरा ऐसा कट करते नहीं जाना है, यहाँ तक कट करना है पैरिंग दिखाने के लिए, और उसके बाद देन यू नो ऑलरेडी लीवर हैज कम आउट, टू लीवर लॉब्स, एंड आई टोल्ड यू एज इट इज़ नॉट वेरी इजी टू सी गॉल ब्लैडर, इसको ऐसा करके आपको यहाँ पे जो एलिवेशन दिखाई देता है, दिस इज गॉल ब्लैडर, ओके, दिस इज गॉल ब्लैडर, और ये इसको आपको टीस करके निकालोगे अंदर गॉल ब्लैडर दिखाई देगा, ठीक है, ये पोजिशन है। नाउ लीवर लोब ऐसा इसको चिपक गया, वी हैव टू लिफ्ट इट केयरफुली सो दैट इट विल नॉट ब्रेक, दोनों लीवर लोब साइड में करना है, ह्यूज लीवर लोब्स आर देयर, एंड देन यू कट द एब्डोमिनल वॉल वेरी इजी, दिस डिसेक्शन इज वेरी इजी, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इजीएस्ट, द मोमेंट यू ओपन यू विल फाइंड, लुक एट दिस, द बकल कैविटी एंड द इसोफेगस, फेरिंग्स के पीछे इसोफेगस है, दिस इज इसोफेगस, या दिस एरिया, ओके दिस एरिया, आई विल जस्ट शो विद हेल्प ऑफ पॉइंटर, या दिस इज इसोफेगस, फेरिंग्स के पीछे वाला भाग, और ये जो है ये स्टमक, लेट अस सी स्टमक, ब्लंट फॉर दिस स्टमक विल एक्सटेंड अप टू ब्लाइंड सैक, दिस इज ब्लाइंड सैक, दिस इज नॉट फ्रेश शार्प, दैट्स वाई ये भी कलरफुल नहीं लग रहा है, ये अभी भी बहुत फ्लैपी लग रहा है, दिस इज नॉट द केस, एक्चुअली दे आर कंसिस्टेंट। ये जो ब्लाइंड सैक है यहाँ तक हमको, ये कार्डियक स्टमक, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज कार्डियक स्टमक, दिस आर ब्लड वेसल्स, ओके, दिस आर गोइंग टू हेपेटिक सिस्टम, सो हेपेटिक पोर्टल यू कैन सी हियर, दिस इज ब्लड वेसल, हेपेटिक पोर्टल, तो उसको नहीं देखना है, उसको बाजू में रखना है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कार्डियक स्टमक, कार्डियक स्टमक इज ब्रॉड, एंड देन इसको यहाँ टर्न हो गया, ये क्या है, पाइलोरिक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक कैसे मार्क होगा, ये स्प्लीन से, कहाँ है स्प्लीन, ये दिखाई दे रहा है डार्क, ये स्प्लीन, ये ऐसा सांप जैसा दिखाई दे, यहाँ से याद, दिस इज पाइलोरिक स्टमक, और पाइलोरिक स्टमक सबको दिखाई दे रहा है, ओके, ये पाइलोरिक स्टमक, और इसके बाद इंटेस्टाइन चालू। एक बात बताना भूल गया मैं, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ तक है और लार्ज यहाँ है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर एक स्क्रोल वॉल होता है, स्क्रोल वॉल, ये स्क्रोल वॉल कैसा होता है समझो, ये पेपर हमने इसके अंदर डॉर्सल से एक फ्लैप
नीचे हैंग होता है ऐसा पार्टीशन, और वो स्क्रोल होता है, रोल होता है, अंदर अंदर ही अंदर रोल हो जाता है. तो लॉन्जिट्यूडनली इट इज़ अ रोल. ओके, स्क्रोल वॉल, स्पायरल वॉल नहीं है. स्पायरल वॉल बड़े शार्क में होते हैं, डॉगफिश में नहीं होता. ठीक है, स्पायरल वॉल और स्क्रोल वॉल में बाद में डिफरेंस मैडम समझेंगे. और इसके बाद ये देखो, ये जो है ये जेनाइटल ऑर्गन है, टेस्टिस एंड किडनी. यूरिनोजेनाइटल सिस्टम फ्यूज्ड है इसमें, इसके लिए ये टेस्टिस हेड बोलते हैं और यहाँ किडनी बोलते हैं. तो वो हम देख रहे हैं आज, आज सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो आई शो यू द इंटेस्टाइन. दिस इज द एरिया विच इज ब्रॉड इंटेस्टाइन हैविंग स्क्रोल वॉल, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पाइलोरिक स्टमक, कार्डियक स्टमक. ओके, देन लीवर. नाउ वेयर इज पैंक्रियाज. पैंक्रियाज मैंने बताया, ये जो कार्डियक स्टमक है और पाइलोरिक स्टमक के बीच में ये जो डिफ्यूज ग्लैंडुलर ग्लैंड है, ये जो दिखा है मेम्ब्रेन, देखो मैं रीड करता हूँ फिर समझ में आएगा आपको. ये जो मेम्ब्रेन है ये डिफ्यूज ग्लैंड है पैंक्रियाज. तो ये पोजीशन बता रहा है हमको कि यहाँ पैंक्रियाज है. ओके, यू जस्ट स्प्रेड दिस डिसेक्शन लाइक दिस इन वाटर और सी, लुक दैट यू कैन सी वेरी डिफ्यूज एंड इरेगुलर ग्लैंड विच इज नॉट हैविंग एनी शेप. फॉरगेट अबाउट दिस, एयर बबल आ गया. फॉरगेट अबाउट दिस स्प्लीन. स्प्लीन जो है वो तो पाइलोरिक को दिखा रहा है, लेकिन स्प्लीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, ये जो है पाइलोरिक स्टमक का स्प्लीन दिखाई दे रहा है. ये देखो, थोड़ा पानी क्लीन होना चाहिए था. ठीक है, यहाँ से ऐसा ये पाइलोरिक स्टमक का स्प्लीन दिखाई दे रहा है, और ये कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक के बीच में ये जो धागे धागे दिख रहे हैं, ये सब पैंक्रियास है. तो दो ही ग्लैंड, एक ये लीवर है और पैंक्रियास. सलवरी ग्लैंड्स आर नॉट विजिबल, सो डोंट वरी. एंड थर्ड ग्लैंड इज रेक्टल ग्लैंड. रेक्टल ग्लैंड इज नॉट डाइजेस्टिव, बट इट इज एसोसिएटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, क्योंकि वो क्लोएका में ओपन होती है एनस के साथ, रेक्टम में ओपन होती है, सॉरी दैट इज ओपनिंग इन द रेक्टम. आई जस्ट शो यू द रेक्टल ग्लैंड. इट इज लाइक ए पेन और पेंसिल, वी कैन से लॉन्जिट्यूडिनल पेन लाइक स्ट्रक्चर. नाउ वी हैव ओपन दिस क्लोएका, यहां से थोड़ा ये जो है ये दिस इज पेनिस लाइक प्रोजेक्शन फॉर इंसर्टिंग स्पर्म इन द फीमेल, सो दैट वी कैन पुल इट. And then this is male, okay. Now here, this is intestine. Okay. This is ending with the rectum here, and it is opening in cloaca. This is anus. This is anus. And this is the space which is called as cloaca. Okay. And now, where is rectal gland? It is very easy to see. दिखाई दी, वही कहाँ पे जा रहे, रेक्टम में. तो रेक्टल ग्लैंड बोलते हैं इसका. रूट है यहाँ पे व्हाइट कलर का है, और ऊपर पेन जैसा का शेप है. एनी प्रॉब्लम? नो. ओके, यू कैन स्टार्ट विद. थैंक यू सर.